बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में 9 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। अब इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने लगा है। ऐसे में हम के प्रवक्ता है दानिश रिजवान, और वो भी सामने आए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है, हमारी सरकार ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। अगर जहरीली शराब का मामला सामने आ रहा है तो आप बेफिक्र रहिए, हम निश्चिंत होकर के कार्रवाई करेंगे। हम पूरे मामले की पहले जांच तो करा ले। आनंद फानंद में विपक्ष का काम है ये कि आरोप लगा देना, पहले पूरा जांच सामने आ जाने दीजिए। और ये बातें राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं, जिनके काल में क्या क्या नहीं हुआ, कितने दर्जन नरसंहार हुए, कितने जहरीली शराब कांड हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। तभी तो कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि बिहार में लालू प्रसाद और लाल राबड़ी जी का जो शासनकाल था वो जंगल राज है, और आज बिहारी बिहार सम्मान के साथ जी रहा है, और उसके ऊपर ये टिप्पणी करना मुझे लगता है कि अपोजिशन के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। तो आपने सुना दानिश रिजवान को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी सरकार ना ही किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर ये भी कहा है कि ये पूरा मामला सामने आया है, इस पर जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सीधे किसी पर आरोप लगा देना ये गलत बात है। साथ ही उन्होंने लालू और राबड़ी के उस शासनकाल को भी याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि लालू और राबड़ी के शासनकाल में जंगल राज था और लोग डर कर जीते थे, लेकिन नीतीश के शासनकाल में हर एक बिहारी सम्मान से जी रहा है। तो ऐसे में ऐसी टिप्पणियां करना गलत है और विपक्ष को सरकार से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि पश्चिम चंपारण जिले से जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसे लेकर के विपक्ष जो है वो नीतीश सरकार को लगातार घेरने लगा है। ऐसे में दानिश रिजवान सामने आए हैं, वो हम के प्रवक्ता है, उन्होंने इस पूरे मामले पर बहुत सारी बातें कही हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब माफिया चोरी छिपे शराब बेचते हैं, जिससे कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। एक बार फिर से इसी मौत की खबर सामने आई है। खबर है पश्चिम चंपारण जिले से, जहां पर 9 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें आप हेडलाइंस बिहार के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।